अगर हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है तो वहाँ की आर्टरी से ब्लड बहने लगता है, तब हमारी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती है। एवं ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देती है और ये धागे जैसे फाइब्रिन कटे हुए स्थान पर जाकर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना देती है। अब इस जाल जैसी स्ट्रक्चर में आरबीसीज आकर फंस जाती है। ये आरबीसीज और फाइब्रिन मिलकर एक क्लॉट बना देते हैं। इस क्लॉट से ब्लड का बहाव रुक जाता है।